हाउ टू मेक रिव्यू वीडियोस, रिव्यू वीडियोस कैसे बनाएं, आज हम सीखेंगे कैसे हम रिव्यू वीडियोस बनाएंगे। राइट, सो पहली बात हमारी पोजीशन ऑफ द मोबाइल, राइट, वी शुड नो द पोजीशन ऑफ आवर मोबाइल। राइट नाउ यू आर सीइंग मी एज अ हॉरिजॉन्टल, राइट, इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, राइट, बट दिस इज गुड फॉर मोबाइल बट नॉट गुड फॉर creating videos for YouTube or for your TV screen. You cannot see a screen like this. So it's important that we make them a video like this. Second point is that the stability. Now see, the it is moving, sometimes my beard is off, sometimes my head is off, and this type of things will happen when you hold it on a hand. हम जब हाथ में मोबाइल को होल्ड करेंगे तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगी, थोड़ा बहुत शेकी होगी, ये कोई अवॉइड नहीं कर सकता। तो ये एक पॉइंट है, इसके लिए क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। सो आई हैव मेड सम अरेंजमेंट फॉर मी टू कीप माय मोबाइल स्टेबल, लाइक दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट वेयर आई कैन स्टैंड पे मैं मोबाइल को रख सकता हूँ और फिर ये मुझे जो मुझे स्टेबिलिटी चाहिए विदाउट एनी शेकिंग ये हो सकता है। सो मैंने अपने लिए ये अरेंजमेंट की कर रखा है। आपके पास मोबाइल स्टैंड भी हो सकती है, यू माइट हैव ए मोबाइल स्टैंड विथ यू, यू कैन यूज दैट, और यू कैन मेक एन अरेंजमेंट विद द हेल्प ऑफ बुक्स और सम स्टैकिंग ऑफ आर्टिकल्स बाय विच यू कैन प्लेस द मोबाइल। सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्लेस दिस मोबाइल ऑन दिस एंड नाउ यू सी इट इज़ वेरी स्टेबल। अब ये बहुत बिल्कुल स्टेबल है, माई मोबाइल इज स्टेबल और मैं यहाँ पे आई कैन जस्ट फ्रीली आई कैन टॉक, आई कैन यूज़ माई हैंड, आई कैन यूज़ माई एक्सप्रेशन टू टॉक। सो दिस इज अ बेटर आइडिया ऑफ डूइंग एनी रिकॉर्डिंग। सो यू आर फ्री फ्रॉम होल्डिंग द मोबाइल एंड यू कैन जस्ट एंजॉय डूइंग द रिकॉर्डिंग सेशन, राइट। आप अपने हाथों से फ्री हो जाते हैं, आपके हाथों से मोबाइल को पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने मोबाइल को एक जगह पर रख दिया, वीडियो बिल्कुल स्टेबल रहेगा और आप उसे एंजॉय कर सकते हो, आप रिकॉर्डिंग को एंजॉय कर सकते हो, आप हाथों की मूवमेंट यूज कर सकते हो, राइट। थर्ड पॉइंट इज दैट द लाइटिंग। लाइटिंग देखिए, अभी आप मुझे क्लियरली देख पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं इस तरह से मूव करूँगा और सी एंड आई एम डार्क, हियर तो पूरा ही डार्क हो गया, राइट। So the position of my mobile and see यहाँ पे glazy आ रहा है, so it is not good, ठीक है, ये position अच्छी नहीं है। So मुझे एक ऐसा एक position देखना पड़ेगा जहाँ पे lighting सही हो और दूसरी बात यह है कि background clean हो, right? So this is a very clean background, right? This is a very good background because the background is clean, right? I have discussed about stability, being horizontal and lighting. And the ambience, sometimes the fan might be going around, पंखे चलते रहेंगे और शोर शराबा रहेगा on the streets. So try to make at that time when there's a less of noise, maybe at the night time. Okay. और एक point है कि हम video का एक test video जरूर ले पहले before making the final video. एक टेस्ट वीडियो लेके देख लिया, उसमें लाइटिंग कैसी है, साउंड ठीक है कि नहीं, राइट, और ऑल दिस पैरामीटर्स आर ओके और नॉट, वेदर इट इज शेकिंग और नॉट, कहीं दाढ़ी तो करने ही कट गई या सर तो नहीं कट गया, ठीक है, तो ऐसा होता है। सो ट्राई टू फिक्स इट एंड वन मोर थिंग इज दैट कीप योरसेल्फ इन वन साइड लाइक दिस। आप अपने आप को अगर साइड में रखोगे, आप अगर अभी फिलहाल मुझे जैसे देख रहे हो, इसका ठीक ऑपोजिट होने वाला है जब आप उसके जब सेव करके आप देखोगे, तो मैं अपने आप को अगर यहाँ पे रखता हूँ, इस पोजीशन पे रखता हूँ, तो मैं उल्टी तरफ चला जाऊँगा व्हेन यू सी योर सेव वीडियो। दिस आर द फ्यू पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, इतनी सारी पॉइंट्स जो भी याद रखनी है, बाकी सब हो जाएगा, राइट। तो रिव्यू में हम क्या बोलेंगे, व्हाट वी विल टॉक इन माय रिव्यू वीडियो। फर्स्ट पॉइंट इज वी विल गिव आवर इंट्रोडक्शन लाइक Hello everyone, I am Joy Sangeetham. I'm engineer by profession and I love art, healing modalities, I do practice. And I look forward to a life of possibilities, right?
So that's my introduction, a brief introduction. Now, next point is why you joined this workshop. मुझे लगा कि मेरी प्रॉस्पेरिटी में कुछ इश्यूज हैं, सो मैंने सोचा कि कुछ करना जरूरी है ताकि देयर इज अ फ्लो ऑफ अबंडेंस इन माय लाइफ. आई फेल्ट दैट आई नीड टू डू समथिंग बिकॉज आई हैव सम प्रॉस्पेरिटी इश्यूज, सो आई डिड दिस कोर्स. मैंने ये कोर्स किया. अगले जो पॉइंट है, जो द नेक्स्ट पॉइंट इज, मैं इस वर्कशॉप से मुझे क्या बेनिफिट मिली है, व्हाट बेनिफिट्स डिड आई गेट फ्रॉम दिस वर्कशॉप. सो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस आफ्टर दिस. मे बी ए फ्रेंड माइट हैव कॉल्ड यू अप एंड यू हैड अ लॉन्ग पेंडिंग यू नो पेमेंट दैट वाज नॉट कमिंग एंड ऑल ऑफ अ सडन दिस पेमेंट केम. देयर आर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस आई गेट. यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस हाउ दिस वर्कशॉप हैज बेनिफिटेड यू. राइट, आप अपना व्यू शेयर कर सकते हैं कि किस तरह से ये वर्कशॉप आपको आपके लिए फायदा बन रहा. इसके अलावा आप अगर कुछ भी बोलना चाहें आपके दोस्तों के लिए, आपके फैमिली फ्रेंड्स के लिए, या फॉर पब्लिक इन जनरल, इफ यू वांट वुड लाइक टू से समथिंग यू कैन से. राइट, आई एम इन लॉट ऑफ प्रेज फॉर दिस वर्कशॉप and I enjoyed it, and maybe you can also try it and see for yourself how abundance flows into your life. We need to unblock the areas of our consciousness which is creating these troubles for a smooth flow of abundance in our life, right? So you can create this type of review videos. सो फ्रेंड्स, रिव्यू वीडियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. रिव्यू वीडियोज बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब मैं कोई भी चीज़ का रिव्यू देता हूँ तो मैं बेसिकली एक चेतना को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे रिव्यूज़. और ये रिव्यू सच्चा होना चाहिए, बिल्कुल ही अपने दिल से निकला हुआ होना चाहिए. राइट, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वी डोंट गिव फेक रिव्यूज़. किसी को खुश करने के लिए हम रिव्यू नहीं देंगे. हाँ, अगर जेन्युइन है, दिल से आ रही है बात, धन्यवाद आ रहा है, उसके लिए ग्रेटफुलनेस आ रहा है, तब आप बिल्कुल दिल से लिखिए. राइट, एंड ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी इस छोटी सी प्रयास से हम और जिंदगियों की चेतना का विकास कर सकते हैं. राइट, गुड रिव्यूज़ टू इंस्पायर पीपल. ऐसा नहीं अच्छा रिव्यू लिखने के लिए बोला है तो फिर लिख देते हैं कुछ. हाँ, इट वॉज वंडरफुल, एक्सलेंट. हाँ, रिव्यू सोचिए उसके बारे में. थिंक अबाउट इट, व्हाट आई शुड राइट, देन राइट इट. दिस इज नॉट अ टास्क, दिस इज समथिंग यू शुड एंजॉय डूइंग इट, बिकॉज आपकी प्रयास से यू आर इग्नाइटिंग सम अदर सोल. राइट, इट फील्स गुड इजंट इट व्हेन you see someone is smiling, happy, something good has happened in his or her life. You may be that agent for it, you know, you are the catalyst. So writing reviews is like being as a catalyst. Theek hai, this is very important. Ise yaad rakhenge hum jab hum review likhenge. So with this I would like to thank you and for listening. And hopefully, we all will be able to write very good reviews. हम सभी बहुत अच्छे review लिख सकते हैं. Right? Thank you so much. Namaste.